और 100 फल 100 केले नहीं है, 100 सेब नहीं है, 100 अमरूद नहीं है, तो आपके पास 15 केले हैं, 20 सेब हैं, ठीक है ना, और कुछ दूसरे फल हैं, तब उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैंने उनको कहा था कि हर एक किसी को फल मिलना चाहिए, क्योंकि 100 फल आपके पास हैं और 100 लोग आपके पास हैं। तो लेकिन ये जो 13 पॉइंट वाला है, इसका भी मैंने उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए 2 पोस्ट हो किसी विभाग में और इस 13 पॉइंट को आप लागू करेंगे तो एसटी की बारी 180 साल बाद आएगी। अगर ये मान के चलेंगे जो काम कर रहे हैं लोग 30 साल तक काम करेंगे फिर रिटायर होंगे वगैरह वगैरह, तो 180 साल के बाद एक एसटी की बारी आएगी। लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्डिनेंस आ गया अच्छी बात है, और आपको लगा कि हमारे आंदोलन की वजह से ये भी अच्छी बात है और सावधान के लिए, लेकिन ये 13 पॉइंट रोस्टर को अगर हम जेनरिक टर्म में समझें इसको, तो ये एक छोटा सा पहलू है 13 का। ये 13 पॉइंट रोस्टर कम से कम 100 से ज्यादा चीजों में लगा। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मुझे बताएगा कि फलाना आईएएस अफसर बड़ा सटीक आदमी है, बड़ा बुद्धिमान आदमी है, तो मैंने उनसे पूछा, वो भी एसटी का था, सीनियर आए सबसे, मैंने बोला सर जो आप लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं आदिवासियों के लिए, एससी एसटी के लिए, उत्थान के लिए, उसमें आप लोग क्राइटेरिया ऐसे बनाते हैं कि जो कर सकता है वो अप्लाई नहीं, वो एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए, और जो नहीं कर सकता है वो फिट होता है इस क्राइटेरिया में, तो बात बनेगी कैसे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यार कि जो उन्होंने कहा यू नो यू हैव टू टेक इट एज गिवन, मैंने कहा तो ये भी 13 पॉइंट रोस्टर, तो 13 पॉइंट रोस्टर को जेनरिक टर्म में कहें तो सिस्टम में जो भी चीज़ें आपको सहूलियत देती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोविजन है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, उसको किसी न किसी तरीके से आप उसको डायल्यूट करें किसी न किसी तरीके से। तो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उदाहरण के तौर पर मेल न्यूट्रिशन का मामला है आदिवासियों के बीच में, या किसी कहीं पर पानी नहीं मिलना चाहिए, किसी को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, या प्रश्न जो उनका डेली वेजेस है, तो उसमें बहुत तरह के प्रावधान हैं जिसको सरकार या ब्यूरोक्रेसी जैसे किसी ने कहा अपने ढंग से लागू नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आपको समझने की जरूरत है। तो 13 पॉइंट इज ओनली वन ऑफ देयर हंड्रेड्स ऑफ 13 पॉइंट इश्यूज दैट यू हैव टू एड्रेस। दूसरे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि कई बार अभी भी बहुत सारे हमारे जो सेक्रेटरी मित्र हैं एमपी एमएलए से बहुत उम्मीद लगा के बैठे और उनको कोसते भी हैं, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई भी करते हैं कि कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा। तो मेरा कहना है उनको, जब मैं उनसे कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्यों कुछ करेगा, क्यों करना चाहिए आपके लिए, आप सरकारी नौकरी में क्यों करना चाहिए। Somebody who is on a contract job for 5 years, ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के बाद रिन्यू होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, और रिन्यू अगर आपको टिकट मिल भी गया तो आप जीतेंगे नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन के अंदर बनाना चाहता, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, तो ऐसा आदमी आपके लिए क्यों रिस्क। उनका कहना था कि हमें क्यों करो, मैं बोला बिल्कुल कहूँ आप, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट 35 साल का, तकरीबन 35-35 साल की सरकारी नौकरी होती है, अगर आप बहुत ही घोर अनैतिक या बहुत ही ऐसा क्रिमिनल काम ना करें तो आपको कोई नौकरी से नहीं निकल सकते, हाँ आपकी प्रमोशन में बाधा आ सकती है, तो आप रिस्क मत लीजिए 35 साल की नौकरी, दूसरे से उम्मीद रखिए कि वही जो भी रिस्क लेगा वो सके हो। बात हम कर रहे थे जोर शोर से प्रतिनिधि वाली बात होती है 10% रिजर्वेशन को लेकर, अगर एक देश प्रतिनिधि तो आपका जो प्रतिनिधित्व आज की तारीख में है ब्यूरोक्रेसी में सरकारी नौकरी में, तो आपकी कामी दायित्व बनता है कि स्टेटस को चेंज के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन आपसे पॉसिबल है उसको जरूर कीजिए। ये जरूर नहीं कि हर आदमी सड़क पर आ जाए, इसकी अपेक्षा हम नहीं करते, लेकिन उसके बहुत सारे माध्यम हैं जिसकी वजह से जिस जो तरीका है आप उस आंदोलन में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं, ये और एक बहुत जरूरी आवश्यकता है। लास्ट में बोलूंगा कि ये जो डेमोक्रेसी में नंबर मैटर्स, नंबर इज अ वेरी बिग थिंग, तो उसमें हमें समझने की जरूरत है कि हमारी जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए वो बहुजन की होनी चाहिए। बेशक आई विल रिमेन अ संतान, बेशक यू विल रिमेन अ यादव, आपको कुछ चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो सब अपने अपने सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक पहचान सबकी रहेगी, और उस सांस्कृतिक धरोहर को बेशक आप उन्नति की तरफ ले जाइए उसको बढ़ाइए, लेकिन राजनीतिक तौर पे आप सबको एक होना पड़ेगा जो बहुजन की पहचान है, यू हैव टू बी टुगेदर। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ,
आई ज्वाइन इन इंटर साइंस इन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे अंक आए थे, तो सेंट जेवियर्स में एडमिशन ले लिया। मेरे तकरीबन मेरे स्कूल से आड़ी टाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से 10-12 लोग थे। उस समय रैगिंग बहुत जोर शोर से हुआ करता था सेकेंडरी, तो दूसरे दिन लोग रोज अपनी रोने रोती थी, इसके साथ क्या हुआ रात को शाम को हॉस्टल में। तो तीसरे चौथे दिन बोला कि मुर्मू तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने बोला मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तब तक मुझे समझ नहीं आया। बट देन आई स्टार्टेड रिकलेक्टिंग कि व्हाट इज हैपनिंग। तो जब भी लोग पकड़ते थे सीनियर लोग, 4-5 लोगों ग्रुप में, जूनियर हो रुक जाओ क्या नाम है, सो देन एवरीबॉडी यूज टू से देयर नेम। मैं बोला मेरा नाम लखीराम मुर्मू, बोला आप जाइए। तो 3-4 बार जब ऐसे हुआ तो मुझे लगा कि मामला क्या है। तो 5वें 6वें दिन मुझे एक सीनियर ने बताया, एक सीनियर आदिवासी स्टूडेंट ने, मैंने बोला कि मुर्मू तुम्हारा रैगिंग तो नहीं हुआ? मैं बोला नहीं सर ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। बोला नोबडी डेयर टू रैग ए आदिवासी स्टूडेंट इन दिस कॉलेज। चूंकि वहाँ पे आदिवासी का बहुबल था, संख्या में ज़्यादा थे, रांची में लोकेटेड था, और ये चूंकि गलत प्रथा हम मानते थे आदिवासी बीच में रैगिंग नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे को क्यों पता रहता, तो एक अच्छी बात भी थी। और नंबर की वजह से ये काम नहीं होता था जो बाकी दूसरे जगह होता था। और एक अच्छी बात इसलिए भी आपको समझना चाहिए जो आदिवासी को समझते हैं बैकवर्ड है, आपको हैरानी होगी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान 95-97 में जो आदिवासी के जहन में उस वक्त हुआ था कि रैगिंग इज अ बैड थिंग। ऐसा नहीं था कि आदिवासी स्कूल दूसरे स्कूल का रैगिंग करते, वो भी नहीं करते। सो दीज आर सम द थिंग्स व्हिच यू रियलाइज द नंबर मैटर्स एंड यू आर नो लेस देन एनीबॉडी एल्स।